अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के इन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, बहुत सारे भाइयों का मुझसे मेरे वीडियो के कमेंट में कंप्लेन रहता है कि भाई मैं कोई भी सवाल पूछता हूँ आज से तो कभी भी आप रिप्लाई नहीं करते हो। तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, सभी का कमेंट एक तरह का होता है। मैं बहुत सारे लोगों का कमेंट का जवाब देता हूँ पर सभी का नहीं दे पाता हूँ, उसके लिए आपसे मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। तो साथियों, आज मैं सभी के सवालों का जवाब दूंगा, कुछ अहम जानकारियाँ दूंगा। तो वीडियो आज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कतर की हर एक जानकारी आपको मिल सके। तो सबसे पहले दोस्तों, एक भाई का सवाल है जिनका नाम है अतुल गिरी। भाई का ये कहना है कि भाई मैंने 3 महीने पहले ही वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन मैसेज अभी तक नहीं आया है, तो क्या करना होगा। तो भाई बताना चाहूँगा ये आपको कि यदि आपने MOPH के वेबसाइट पे जाके यदि आपने वैक्सीनेशन के लिए यदि आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर किए होंगे। आप फिर से जाइए वहाँ पर, आप रीचेक कीजिए कि आपने कहाँ गलती किया है, क्योंकि अभी तक जितने लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं सभी के मोबाइल पर मैसेज आ रहा है, सब वहाँ पर वैक्सीन ले पा रहे हैं। तो आपके साथ यदि ऐसा हो रहा है तो वहाँ पे आप MOPH के वेबसाइट पे एक बार फिर से विजिट कीजिए, देखिए वहाँ पे चेक कीजिए, शायद कहीं आपने कोई गलती की होगी, हो सकता है नंबर या कुछ मिस्टेक किया होगा तो ही आपके नंबर पे अभी तक मैसेज नहीं आया है। एक भाई का सवाल है, भाई जिनका नाम है आजाद अंसारी, उनका कहना है भाई मैं क्या इंडिया से आने के बाद भी मुझे क्वारंटाइन रहना पड़ेगा कतर में। तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, आप किसी देश से भी हो, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, नेपाल, बांग्लादेश, कहीं से भी हो, कतर गवर्नमेंट के द्वारा MOPH के द्वारा जो COVID-19 का वैक्सीन यहाँ पे अप्रूव्ड किया गया है, ये वैक्सीन यदि आप लेकर आते हो तो आपको वहाँ पे क्वारंटाइन रहने, होटल क्वारंटाइन या होम क्वारंटाइन रहने की ज़रूरत नहीं है। ये बात मैं आपको पहले ही एक सेपरेट वीडियो बनाकर बता चुका हूँ। तो इसमें दोस्तों, 4 वैक्सीन आप लेकर आओगे तो आपको वहाँ कतर में क्वारंटाइन रहने की ज़रूरत नहीं होगी। एक तो मॉडरेना, फिर फाइजर, बायोएनटेक, एस्ट्राजेनेका, और एक दोस्तों इसमें जॉनसन एंड जॉनसन है। तो ये 4 वैक्सीन यदि आप लेकर आते हो कोई से भी तो आपको वहाँ पे क्वारंटाइन रहने की ज़रूरत नहीं है। यदि दूसरा वैक्सीन यदि लेकर आते हो तो आपको वहाँ पे क्वारंटाइन रहना पड़ सकता है, इसकी नियम वहाँ पे कुछ और है। तो भाई आप किसी भी देश से हो, अब यदि वैक्सीन ले लिए हो और दोनों डोज ले चुके हो और यदि 14 दिन अपने मुल्क में रह चुके हो तो आप कतर ट्रैवल कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक भाई का सवाल है जिनका नाम है जमाल अहमद, भाई ने सलाम किया, तो भाई वालेकुम अस्सलाम। उनका कहना है कि कतर इंडिया की फ़्लाइट कब चालू होगी, मुझे नए वीज़ा पे आना है। तो भाई बताना चाहूँगा आपको, कतर और इंडिया की फ़्लाइट बंद हुई नहीं कभी, कतर इंडिया की फ़्लाइट जो है वो अभी भी चालू है, पर नया वीज़ा अभी इशू नहीं किया जा रहा है। जो पुराने वीज़ा वाले हैं उनको ही बुलाया जा रहा है, पर नया वीज़ा फिलहाल अभी इशू करने की अभी कोई संभावना नहीं है। बस डोमेस्टिक वर्करों को, कुछ वर्करों को बुलाया जा रहा है, जो मेडिकल के लोग हैं उनको बुलाया जा रहा है, पर आप किस काम में जाना चाहते हैं ये मुझे आप कॉमेंट कीजिएगा, उसके बाद मैं आपको पूरे सवालों का जवाब दूंगा। पर फिलहाल भाई मैं आपको, जमाल भाई, आपको कहना चाहूंगा कि नया वीजा भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, पर इंडिया की फ्लाइट जो है वो अभी भी चालू है, फ्लाइट कभी भी बंद नहीं की गई थी। एक भाई का सवाल है, भाई नेपाली भाई है वो, इनका नाम है एक नेपाली भाई, तो उनका कहना है भाई क्या आप बता सकते हैं कि नेपाल की फ़्लाइट कब से चालू होंगी, क्योंकि मेरा टिकट बना हुआ है और मैं कतर जाना चाहता हूं। तो भाई बताना चाहूँगा आपको कि जो फ़्लाइट जो बंद थी, नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से बंद किया गया था इंटरनेशनल फ़्लाइट को, ये कोरोना वायरस के बढ़ाव को देखते हुए वो 15 मई तक किया गया था, उसके बाद बढ़ाकर फिर कर दिया गया था 31 मई। पर एक बहुत ही अच्छी खबर है आपके लिए कि 1 जून से नॉर्मल जो फ़्लाइट जो है नेपाल और कतर के बीच में वो स्टार्ट होने वाला है। तो यदि आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, 1 जून के बाद आप टिकट ले लीजिए। अब आपका नज़दीकी जो भी आपको एजेंट है उससे कांटेक्ट कीजिए, वहां पे टिकट आप ले सकते हैं। अब 1 जून के बाद वहां पे आप ट्रैवल कर सकते हो, जा सकते हो। अब चलते भाई अगले सवाल की ओर चलते हैं। एक बोर्डुल इस्लाम नीरो भाई का नाम है, उनका कहना है भाई मेरा मेडिकल रिपोर्ट सबमिट 17 तारीख को हुआ था लेकिन अब तक रेडी टू प्रिंट में नहीं गया है, इसका मतलब क्या है प्लीज़। भाई इसमें कुछ अड़चनें आ रही होंगी, आपका जो रेडी टू प्रिंट में गया है वो मतलब जो कुछ प्रोसेसिंग का काम होगा वो हो जाएगा, कुछ पेंडिंग होगा तो वो भी काम हो जाएगा। यदि आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप जिस एजेंट के थ्रू आप जा रहे हो उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए, वहाँ वो आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। अगले भाई का सवाल है, इनका नाम है बलजिंदर कुमार, भाई का कहना है फ्लाइट ओपन है ब्रो, दिल्ली टू कतर आना ब्रो, आ सकते हैं क्या। भाई मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि दिल्ली आप जा सकते हो पर स्पेशल फ़्लाइट के जरिए जा सकते हो, आपको नॉर्मल फ़्लाइट अभी नहीं चालू हुई है। यदि नया वीज़ा के साथ जाना चाहते हो तो नया वीज़ा भी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो यदि आप जाना चाहते हो तो स्पेशल फ़्लाइट वंदे भारत मिशन के तहत या फिर एयर बबल के तहत आप जा सकते हो। तो ये कुछ भाइयों का सवाल था, मैं कोशिश किया हूँ कुछ भाइयों का सवाल का जवाब देने का। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, साथ शेयर कर दे ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो।